भाजपा युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष सत्यार्थ मिश्र ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जयंती के उपलक्ष्य पर भाजपा युवा मोर्चा ने यंग रन इंडिया प्रतियोगिता का आयोजन किया है। इस प्रतियोगिता में युवा प्रतिभागियों को अपना कौशल दिखाने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा शीर्ष नेतृत्व के अनुसार भाजपा युवा मोर्चा प्रदेश भर में यंग इंडिया रन कार्यक्रम आयोजित कर रही है। विवेकानंद जी के जयंती के अवसर पर भारत वर्ष में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाता है। इस कार्यक्रम में कुल 200 प्रतिभागी होंगे जिनको पुरस्कृत किया गया है। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पाने वाले प्रतिभागी को 11,000, द्वितीय पुरस्कार पाने वाले को 5,100, तृतीय पुरस्कार पाने वाले को 2,100 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा, जिसका शुभारंभ भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह के द्वारा किया जाएगा, जो कि सुबह 8:30 बजे हरिओम नगर चौराहे से छात्र संघ चौराहे स्वामी विवेकानंद के प्रतिमा पर समाप्त होगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष सत्यार्थ मिश्रा ने कहा, देखिए कल दिनांक 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के शुभ अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा गोरखपुर महानगर द्वारा आयोजित यंग इंडिया रन का कार्यक्रम प्रतियोगिता हो रहा है, जिसमें हरिओम नगर चौराहे से प्रारंभ होगा और छात्र संघ चौराहे पे समाप्त होगा। इसमें हम लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन विजेता, जो पहले पहुंचेगा दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे, उसको विशेष पुरस्कार के तहत उसको मतलब हम लोग सम्मानित करने वाले हैं। वहाँ पर हमारे कार्यक्रम में गोरखपुर क्षेत्र के यशस्वी लोकप्रिय क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, माननीय सांसद गोरखपुर के रवि किशन जी और महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी वहाँ मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। फर्स्ट जो आएगा हम लोग उसको 11,000 पुरस्कार दे के सम्मानित कर रहे हैं, और सेकेंड आएगा उसको 5100 रुपये दे के सम्मानित कर रहे हैं, और थर्ड जो आएगा उसको 2100 रुपये देकर हम सम्मानित कर रहे हैं।